आपको तो एक घंटे तक पीटूंगा मैं, आपको तो मैं एक घंटे तक पीटूंगा चीमा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि जब पाकिस्तान के पत्रकार अर्णव के शो में आते हैं तब अर्णव उनकी कैसी पिटाई करता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए और मजा लीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पाकिस्तानी समझते क्यों नहीं है मुझे ये बताइए, ये टिड्डी बिरयानी खाने वाले पाकिस्तानी चप्पल चोर, ये टिड्डी से बहुत ज्यादा इनको विटामिन मिल रही है आजकल लगता है, मगर ये विटामिन इनके दिमाग में नहीं जा रहा है। लग रहा है कि कृतिका चौधरी आप लोग वही टिड्डी बिरयानी खाकर आए हो आज, इसलिए मुंह बनाकर बैठे हो इधर मेरे प्रोग्राम पर। क्या सोचा था हाँ, 500 रुपए के भाड़े के जितने आपको मिलते हैं कुछ कर पाएंगे इधर? एमएस बिट्टा जी आई चौधरी गुज्जर जो भी आपका नाम है, वैसे आपका नाम इफ्तिकार चौधरी, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी कौन? इंजीनियर क्या है तुम? इंजीनियरिंग पास किए क्या? डिग्री कौन लिखता है इंजीनियर? हाँ ठीक से अपना नाम लिखो, कुछ भी अपना नाम बना के छन नहीं आती। कफारी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो गंभीरता से। गंभीरता मतलब हिंदी में, हिंदी में मतलब सीरियस, सीरियस। चीमा चीमा एक मिनट, ये बहुत इसको इसको हर दिन आधा घंटा एक घंटा मारते हैं फिर भी ये मार खाने आ जाते हैं। देखिए आप पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है हिंदुस्तान। कांग्रेस तो अच्छी बात यह है कि तुम लोग बाप से डरे रहो, लेकिन जो बच्चे गौरव आर्या, जो बच्चे अपने बाप के सामने बदमाशी करते हैं वो कान पकड़कर पीटे जाते हैं। अरे ओ कमर चीमा ऐसे चिल्लाते रहोगे, अरे गले की एक्सरसाइज करते हो बाकी, दौड़ा करो सुबह सुबह। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए इधर, सुनो कमर चीमा, अरे ओ कमर चीमा सुनो, अरे ओ कमर चीमा प्लीज, मुसलमानों के लिए उनको, अरे कमर चीमा ऐसे मत चिल्लाओ यार, बेहुदे लगते हो आप, ऐसे मत करिए। ये भारत के टेलीविजन के लोगों को आपको वहां पे आप बात करते करते थूकते रहते हैं, आप बड़ी बात सुनिए। अरे मध्यम गति में आओ, मध्यम गति में आओ भाई, तुम्हारे जैसे कितने जैश के समर्थकों का हजामत किया है मैंने। मेरी बात सुनो, बात सुनो, पहले ठंडे हो जाओ, पहले ठंडे हो जाओ, फिर मैं तुम्हें गरम सवाल देता हूँ, गर्मा गर्म सवाल देता हूँ। चुनकर मुसलमान मेहमानों को बुलाता है, उनके सामने पाकिस्तान को गालियां देता है, उनके अकीदे को निशाना बनाता है, उन भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश करता है, उनको बेइज्जत करता है। वो रहता है भारत में, उसका नाम है अर्णव गोस्वामी, लेकिन अर्णव अंधा है, अर्णव गोस्वामी झूठा है, अर्णव गोस्वामी बेगैरत है। दो दिन पहले अर्णव गोस्वामी ने एक शो में पाकिस्तान की अच्छे से क्लास ली थी। ये वीडियो इतना वायरल हो गया कि इसकी गूंज पाकिस्तान तक पहुंच गई और फिजा खान को मिर्ची लगी। पहले आपको अर्णव गोस्वामी के बारे में बताते हैं, बाद में फिजा खान की अच्छी से क्लास लेते हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। टाइम्स नाउ पूर्व एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की गिनती देश के नामी एंकरों में होती है। उन्होंने अपना करियर 1995 में कोलकाता के दैनिक द टेलीग्राम में शुरू किया था, लेकिन वे टेलीग्राम में ज्यादा दिन नहीं रहे और उसी वर्ष एनडीटीवी जुड़ गए। गोस्वामी उस समय डीडी मेट्रो पर आने वाले एनडीटीवी के कार्यक्रम न्यूज टुनाइट के लिए रिपोर्टिंग करते थे। उनका टीवी शो फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्णव काफी चर्चित रहा है। उनकी असली पहचान टाइम्स नाउ में ही बनी, जहां तेज तर्रार शैली में कार्यक्रम पेश करने की उनकी शैली ने दर्शकों को खूब लुभाया, जिसके दम पर टाइम्स नाउ देश में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा देखने वाला चैनल बन गया। गोस्वामी के इस करिश्मे ने चैनल की कमाई बढ़ाने में अहम योगदान दिया। टाइम्स नाउ को कमाऊ बनाने में गोस्वामी के कार्यक्रम ने निर्णायक भूमिका निभाई और चैनल के कुल राजस्व का 70% हिस्से ही आता था। इसे देखते हुए उन्हें संपादकीय के निवेशक और प्रधान संपादक बनाया गया। पाकिस्तान के एंकर डॉक्टर फिजा खान हमेशा भारत के खिलाफ कुछ न कुछ जहर उगलती रहती है, और इस बार उसने जितना भी जहर उगला है उतना पूरा का पूरा हमने प्रूफ के साथ उसे फिर से पिलाया है।
इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आप समझ जाओगे कि हमने फिजा खान की कैसी ली है। डॉक्टर फिजा खान, पाकिस्तान के लोगों को कितना बेवकूफ बनाएगी तू? पाकिस्तान में महंगाई के क्या हाल है हम तुम्हें दिखाते हैं। इतनी महंगाई मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आप लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, शायद आप लोग को याद होगा अगर इससे ज्यादा कभी महंगाई आपने देखी हो। 34% रुपया गिर रहा है। आप दवाइयों की कीमतें, मतलब बाकी सब चीजें तो छोड़े, अपनी जगह अगर दवाई लेने जाता है अपनी दिल की इलाज के लिए या एक डिस्प्रिन जैसी बेसिक गोली भी, और वो डबल हो चुकी है, तो गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा। वो तो अगर जहर भी लेना चाहे खुदकुशी के लिए, अब तो शायद वो भी नहीं कर सके, उसके पास पैसे ही नहीं होंगे जहर खरीदने के लिए। देखा डॉक्टर फिजा खान, आपके पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है, आपके धोने के, खाने के, पीने के सबके हाल चल रहे है, और आपकी जीडीपी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है। आपको शर्म आनी चाहिए भाई। वी वर द कॉटन एक्सपोर्टर, क्या नहीं करते थे हम कॉटन में, वो थे, आज हम क्या क्या कुछ नहीं। बांग्लादेश आगे निकल गया, ये क्यों हो रहा है भाई? जो काव भी इंडिया की तरफ है, इंडिया की इकोनॉमी ऐसे जा रही है, हमारी इकोनॉमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया। डॉक्टर फिजा खान, जितना भी जहर आपने उगला था उतना सभी का सभी हमने आपको प्रूफ के साथ पिला दिया, हमारा जवाब आपको कैसा लगा? सब आप छा गए हैं, आप छा गए। मैं आज आपको यहाँ हिंदुस्तान के कुछ बेहतरीन न्यूज एंकर की सैलरी यानी वेतन के बारे में बताने वाला हूँ, जो हिंदुस्तान में पत्रकारिता जगत पर राज करते हैं। वीडियो के लास्ट में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले पत्रकार का नाम दिखाया जाएगा, तो वीडियो का लास्ट मिस मत कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अंजना ओम कश्यप आज तक चैनल की बेहतरीन पत्रकार है। उनकी एक महीने की कमाई यानी सैलरी 25 लाख रुपए है। ये बहुत ही निर्भीर होकर बात करती है। सुधीर चौधरी जी न्यूज चैनल के पत्रकार है। उनकी एक महीने की कमाई यानी सैलरी 30 लाख रुपए है। इनके बोलने का अंदाज बेहद अलग है। ये कुछ इस तरह ठहर कर बोलते हैं कि इनका बोला हुआ एक एक शब्द किसी को भी आसानी से समझ आए। राजदीप सरदेसाई, इनका कद पत्रकारी जगत में बड़ा माना जाता है। इनकी सैलरी 80 लाख रुपए प्रति माह है। रजत शर्मा, इन्हें कौन है जो नहीं जानता, ये आपकी अदालत के नामी वकील है। ये मीठा बोलते हैं और सब कुछ बहुत ही चतुराई से उगलवा लेने में माहिर भी है। ये महाशय इंडिया टीवी के मालिक है। इनकी कमाई 90 लाख रुपए प्रति माह है। अर्णव गोस्वामी, यह महाशय इंग्लिश बोलने में बेहद माहिर है, और इसीलिए जब उन्होंने अपना चैनल रिपब्लिक टीवी खोला तो ये महाशय हिंदुस्तान में छा गए। इनकी एक महीने की कमाई है पूरे 1 करोड़ रुपए, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। एक कमाल की बात मुझे जो अर्णव गोस्वामी के बारे में लगती है वो यह है कि वो जो भी सवाल करते हैं बिल्कुल निर्भीक होकर करते हैं, जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बाकी 3 स्तंभों के सामने खड़ा होकर सवाल पूछ रहा हो। उन्हें देखकर यह ज़रूर लगता है कि वो सचमुच पत्रकारिता की ताकत से बहुत ज़्यादा वाकिफ है। दोस्तों, इन सभी पत्रकारों में से आपको कौन सा पत्रकार ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो देखते हैं किसके बारे में ज़्यादा कमेंट आते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।